इलाहाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत को लेकर इनेलो के कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में माथा टेकने के बाद जश्न मनाया। गुरुद्वारा छठी पातशाही में बाहर पटाखे फोड़े गए और कहा कि अभय चौटाला की जीत किसानों की जीत है। जिस प्रकार से इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा ने पूरी तरह से धनबल का प्रयोग किया, आखिरकार इलाहाबाद की जनता ने एक बार फिर से अभय चौटाला पर अपना विश्वास जताया। इस दिवाली की खुशी में और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को, जो इलाहाबाद के लोगों ने जीत दी है, जो किसानों के मेरे वर्ग ने, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सभी किसानों ने जो मिलकर हमें जो इंडियन नेशनल लोकदल को जीत दी है, हम उन सभी का धन्यवाद भी करने हैं आए हैं और परमात्मा के नतमस्तक भी होने के लिए आए हैं कि परमात्मा ने इंडियन नेशनल लोकदल की बहुत बड़ी जीत आप परमात्मा ने रखी। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा साहब में इकट्ठा हुए हैं कि जो इलाहाबाद का उपचुनाव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जीता है, और ये चुनाव केवल इलाहाबाद का चुनाव नहीं था, ये पूरे देश का चुनाव था, क्योंकि पूरे देश के किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार की निगाहें इसी चुनाव पर अड़ी हुई थी। और बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ अभय सिंह चौटाला जी ने ये चुनाव जीतकर ये पूरे देश में एक मैसेज दे दिया कि अगर आज किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दुकानदार भाइयों के साथ अनदेखी होगी तो इसी प्रकार के नतीजे बीजेपी सरकार को भुगतने पड़ेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के नेतृत्व में इलाहाबाद का उपचुनाव लड़ा गया और उस उपचुनाव में भाई अभय सिंह चौटाला का हरियाणा प्रदेश की छत्ती बरादरी ने सहयोग और समर्थन देने का काम किया। जब जब भी किसी भी वर्ग पर हमले हुए या अत्याचार हुए तो चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपने पदों का त्याग करने का काम किया, जबकि अन्य दलों के किसी विधायक, एमपी ने अपना पद त्यागने का कोई काम नहीं किया। और अम्बाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने काले कपड़ों के साथ प्रदर्शन कर काली दिवाली मनाई है। आंगनबाड़ी यूनियन पिछले एक महीने से डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। यूनियन नेताओं का कहना है कि सरकार ने 2018 में हुए समझौते को आज तक लागू नहीं किया है। सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है, जिसके कारण हमें त्यौहार सड़क पर मनाने पड़ रहे हैं। हम तो पिछले एक महीने से बैठे हुए हैं अपने धरने पे, 1 अक्टूबर से, और इवन कि 22 जुलाई से हमारा एक अनिश्चितकालीन धरना कैथल में चल रहा है। बिल्कुल गुंगी और बहरी इस सरकार को जगाने के लिए, दिखाने के लिए, इस इन तीज त्यौहारों के दिनों में जो है ना, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स जो हैं अपनी उन्हीं मांगों को लेकर जो सरकार ने पहले हमारे से वादा किया हुआ, कुछ नया नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए जो है ना, जो हम जो है धरने पे बैठी हुई हैं। जब सरकार को एक महीने से कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमने मजबूरीवश काली दिवाली मनाने का फैसला किया। और दिवाली के मौके पर कहीं किसी को बोनस मिल रहा है तो कहीं उपहार मिल रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ के GMSH सेक्टर 16 के अस्पताल के NHM कर्मचारियों को दिवाली से ठीक पहले टर्मिनेट कर दिया गया है। इन कर्मचारियों ने डीसी रेट के बराबर वेतन देने की मांग की। मांग पूरी ना होने पर हड़ताल करने की सजा टर्मिनेशन के तौर पर मिली है। अब ये 178 कर्मचारी अस्पताल के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वो काली पट्टी बांधकर दिवाली मनाएंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होती है, ये धरना अनिश्चितकाल तक अस्पताल के बाहर जारी रहेगा। सब तो बड़ा एक शर्मनाक काम किया है चंडीगढ़ प्रशासन ने कि एक NHM कर्मी दी जिहड़ी दी तुहानू 10 तों 15 साल हो गए, 10 तों 15 साल दी असी अपनी सर्विस इक सैलरी लई छड्ड के असी आउटसोर्स ते आ गए। अगर आउटसोर्स ते आना 15 तों 20 मिनट वधिया, असी उहनां तों वी NHM छड्ड के आउटसोर्स ते आ सकदे सी। NHM दे विच साडी ज्वाइनिंग है, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਔਰ HS ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਰ, ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ।
ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। और एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में पटाखे बेचने और चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी दी है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक यदि आदेश की अवहेलना होती है तो पटाखे फोड़ने और बेचने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी या फिर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस की लोगों से अपील है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। हाँ, जैसा कि विदित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और हरियाणा जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसके चेयरपर्सन के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन फरीदाबाद ने पटाखों पर पूर्णतः बैन लगाया है। फरीदाबाद में किसी भी वक्त किसी भी टाइम के लिए कोई छूट नहीं है। पटाखों पर चलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। जो इस कार्य में जो सम्मिलित पाए जाएंगे उनके खिलाफ फरीदाबाद पुलिस कार्रवाई करेगी और एफआईआर दर्ज करके उनके सलाखों के पीछे भेजेगी। तो सभी से निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि पटाखों पर जो बैन है पटाखे ना चलाएं। जो एनसीआर में जो एयर क्वालिटी है काफ़ी पुअर है और इसमें जैसे कोविड महामारी भी है और दूसरा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो बीमार हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें प्रदूषण को बढ़ावा ना दें। दिवाली दीपों का जो त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, खुशी से इसको सेलिब्रेट करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल सुनाइए, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।